फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज ऐसे अपनी वीडियो में इंग्लिश पैडागॉजी के क्वेश्चंस करांगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीएसटेट एग्जाम लिए। इन्होंने तो सी क्वार जरूर कर लियो। तो चलो स्टार्ट कर दें जी। पहला जो क्वेश्चन है जी, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश नूं टीच करने लिए इन्हां विचों कौन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा इंग्लिश नूं टीच करने का। तो पहला ऑप्शन है जी रोट मेमोराइजेशन, दूजा ऑप्शन एक्यूरेसी, तीजा ऑप्शन है फ्लुएंसी, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन नहीं होगा जी ऑब्जेक्टिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी, वो होगा पहला ऑप्शन रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा लगाना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग आर। इंग्लिश नूं टीच करन दे दो मेन ऑब्जेक्टिव कौन हैं जी, उद्देश कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है जी लैंग्वेज डिवेलपमेंट एंड लिटरेरी डिवेलपमेंट, दूजा ऑप्शन है लैंग्वेज डिवेलपमेंट एंड ट्रांसलेशन, तीजा ऑप्शन है लैंग्वेज डिवेलपमेंट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन, चौथा ऑप्शन लिटरेरी डिवेलपमेंट एंड ट्रांसलेशन ग्रामर। तो कौन हैं जी दो ऑब्जेक्टिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पहला ऑप्शन लैंग्वेज डिवेलपमेंट एंड लिटरेरी डिवेलपमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने लिए कौन बेसिक स्किल नहीं होगा जी, वो दसना है। पहला ऑप्शन है रीडिंग, दूजा ऑप्शन है राइटिंग, तीजा ऑप्शन है ग्रामर, चौथा ऑप्शन है स्पीकिंग। तो कौन नहीं है जी बेसिक स्किल? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी, वो होगा तीजा ऑप्शन ग्रामर, क्योंकि बेसिक स्किल बाकी सारे हो सकते हैं जी, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, पर ग्रामर जो है वो असं बाद भी सीखते हैं, इसलिए बेसिक स्किल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक स्किल ऑफ लैंगुएज लर्निंग। तो इन बेसिक स्किल कौन है हूँ यही दसना है जी। तो पहला ऑप्शन है स्पीकिंग, दूजा ऑप्शन है ग्रामर, तीजा ऑप्शन है ट्रांसलेशन, चौथा ऑप्शन है हाइपोथेसिस। तो कौन है जी बेसिक स्किल इन? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी, वो होगा स्पीकिंग पहला ऑप्शन। ठीक है जी, बोलना जो है बेसिक स्किल है लैंग्वेज को सीखने लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। जदों दो चीज़ों विच असी इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो उसनों की कहा जाता है जी? पहला ऑप्शन है सिमिली, दूजा ऑप्शन है मैटाफोर, तीजा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सैकेंड, चौथा ऑप्शन है परसोनीफिकेशन। तो की कहा जाएगा जी? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दूजा ऑप्शन, उसनों मैटाफोर कहा जाता है। ठीक है जी, मैटाफोर दे विच असी की करते हैं जी इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के विच, ते सिमिली दे विच असी डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। आपां कह सकते हैं एग्जाम्पल तौर पर सिमिली विच असी जो कंपैरिजन करते हैं तो एज अते लाइक वर्ड यूज़ करते हैं डायरैक्ट, अते मैटाफोर दे विच असी इनडायरैक्टली कंपैरिजन करते हैं। जिदा एग्जाम्पल है यदि होएगी लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड। ठीक है जी, जो जिंदगी है वो जंग का मैदान है, असी इनडायरैक्ट कंपैरिजन किया है जंग के मैदान नाल लाइफ नू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइन ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन द फिगर ऑफ स्पीच इज़। तो कौन फिगर ऑफ स्पीच है जी इस? तो मैं थोड़ा दसिया जी जिते एज लगेगा उत्थे सिमली हुंदी है, हमेशा सिमली दे विच एज और लाइक यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जी मैटाफोर, दूजा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तीजा ऑप्शन सिमली, चौथा ऑप्शन है हाइपरबोल्स। ठीक है जी, तो राइट आंसर की होगा? असी उपर करके हटे हैं, राइट आंसर होगा जी तीजा ऑप्शन सिमली। सिमली दे विच एज अते लाइक वर्ड यूज़ होंदे हैं जो असी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 टॉक्स अबाउट। तो किस बारे दसदा है जी NCF? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सलाइजिंग एलीमेंट्री एजुकेशन एंड लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ स्किल्स, दूजा ऑप्शन है रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड, तीजा ऑप्शन है रिकगनाइजिंग द इंटरफेस बिटवीन कोग्निशन इमोशन एंड एक्शन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो की राइट आंसर होगा जी? NCF जो है वो किस बारे दसदा है? तो राइट आंसर होगा जी इसका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, इस जो तीन दिते ने उपर सारे ही आएंगे जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द NCF 2005 डजंट इनकलूड। NCF 2005 के की चीज़ नहीं इनकलूड की जाएगी? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल एलीमेंट्री एजुकेशन, दूजा ऑप्शन है चाइल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, तीजा ऑप्शन है पीस एजुकेशन, चौथा ऑप्शन है इनक्रीजिंग द लोड ऑफ द करिकुलम। तो कौन सी चीज़ नहीं इनकलूड होगी जी? इसका जो राइट आंसर है वह है फोर्थ ऑप्शन इनक्रीजिंग द लोड ऑफ द करिकुलम। करिकुलम का जो लोड है वो इनक्रीज नहीं करना है। ठीक है जी, बच्चों के नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
एम डी एम स्टैंड्स फॉर एम डी एम दी फुल फॉर्म की है जी, इसका मतलब की है पहला ऑप्शन है मिक्स डे मील्स, मिक्स डेज मील, दूसरा ऑप्शन है मिड डे मील, तीसरा ऑप्शन है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, चौथा ऑप्शन है मीडियम डेवलप्ड मील्स। तो राइट आंसर सबको पता होगा जी की है जी सेकेंड ऑप्शन मिड डे मील। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस की होता है जी, पहला ऑप्शन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स वाइल फॉर्मल एजुकेशन इज आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन इज द वैल्यू सिस्टम अ चाइल्ड गेट्स फ्रॉम हिज फैमिली, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन वर्क्स मेनली ऑन द फिक्स्ड करिकुलम, चौथा ऑप्शन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इंपोर्टेड बाई टीचर्स एंड प्रिंसिपल। तो की डिफरेंस है जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीजा ऑप्शन। इन दोनों में जी फॉर्मल एजुकेशन होती है जी वो करती है फिक्स्ड करिकुलम के उत्ते काम। ठीक है जी, फॉर्मल एजुकेशन वर्क्स मेनली ऑन द फिक्स्ड करिकुलम इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैथड्स आर टू मैथड्स ऑफ टीचिंग। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जो मैथड्स हैं जी टीचिंग किस लिए यूज होंगे हैं, तो पहला ऑप्शन है राइटिंग, दूसरा ऑप्शन लिटरेचर, तीसरा ऑप्शन लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन है स्पीकिंग। ठीक है जी, तो राइट आंसर की होगा जी, राइट आंसर होगा जी इसका थर्ड ऑप्शन लैंग्वेज। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय CWSN। तो इसका की मतलब है जी, पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन विदाउट सिक्योर नेचर, दूसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तीसरा ऑप्शन है करिकुलम विद सोसाइटी नीड्स, चौथा ऑप्शन है करिकुलर विदाउट सेल्फ नोटिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर की होगा जी, इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ग्रामर शुड बी टॉट एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल तक कितनी ग्रामर सिखाई जानी चाहिए है जी, पहला ऑप्शन है प्रेसिस सिंथेसिस एंड पार्सिंग, दूसरा ऑप्शन है सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, तीसरा ऑप्शन है सेंटेंस फॉर्मेशन एंड बेसिक ग्रामर, चौथा ऑप्शन है सिंटेक्स सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो राइट आंसर की होगा जी, राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन सेंटेंस फॉर्मेशन एंड बेसिक ग्रामर सिखाई जानी चाहिए है जी प्राइमरी लेवल पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो इनक्लूड्स। तो इनक्लूसिव एजुकेशन कि चीज़ें आदि हैं जी, पहला ऑप्शन है मेक ऑल स्कूल्स इनक्लूसिव, दूसरा ऑप्शन है रिमूव फिजिकल बैरियर्स, तीसरा ऑप्शन है बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स टू फंक्शन इन एन इनक्लूसिव सेटिंग, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है जी की होगा, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ IEDC। IEDC की होंगे है जी, पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल एलिमेंट्री डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तीसरा ऑप्शन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर्स। तो राइट आंसर की होगा जी, इसका जो राइट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्होंने तुम जरूर कर लियो, तो मेरे इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो ताकि मैं तुम्हें होर भी क्वेश्चन दसदा रहा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी तुम्हें क्वेश्चन दसांगा जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उद तक लिए थैंक यू।